श्री हाजी होने चाहिए। सानी जी, ये नोटिस मुझे सुबह मिले हैं, आज ही मिले हैं मॉर्निंग में, इसलिए उनको सूचना नहीं दी जा सकी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कर रहे हैं अभी बात। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया में हर मजहब में पानी पिलाना ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। लोग इसके लिए कुएं लगाते थे, प्याऊ बनवाते थे और लोगों को पानी पिलाया करते थे। वो काम अगर दिल्ली में किसी ने करा तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस सपने को साकार करा। अध्यक्ष जी, आज मैं समझता हूँ ये मेरी विधानसभा का नहीं पूरी दिल्ली की समस्या है। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में कई कॉलोनियों में अरविंद केजरीवाल जी की क्रांतिकारी विकास नीतियों के तहत जो काम चल रहे थे आज वो काम रुके हुए हैं, विकास कार्य। अध्यक्ष जी, सीवर के काम रुके हुए हैं, पानी की लाइनों के काम रुके हुए हैं, उसकी वजह से कॉलोनियों के जो सड़क बनने के काम हैं वो भी रुके हुए हैं। मेरे बाबूनगर में, ब्रजपुरी में, दयालपुर में, G&H ब्लॉक में, नेहरू विहार में पानी की लाइनें इतनी पुरानी हैं के सारे विधानसभा की अक्सर कॉलोनियों में गंदा पानी आ रहा है, सीवर ओवरफुल हो रहे हैं। सीवर की वजह से, ओवरफुल होने की वजह से लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, लाइन नहीं बदल पा रहे हैं, सीवर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, उनको डिसील नहीं कर पा रहे। अध्यक्ष जी, नई लाइन जहां डलनी है जिसकी वजह से कॉलोनियों के विकास कार्य रुके हुए हैं वो लाइन भी नहीं डल पा रही है। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी समस्या है। 2019 तक मेरी विधानसभा में मात्र 95 किलोमीटर के करीब पानी की लाइन थी। राजेश जी बैठिए। आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, दिल्ली सरकार की वजह से 195 किलोमीटर के लगभग पानी की लाइन है, लेकिन उसके बावजूद गंदा पानी आ रहा है, पानी नहीं है। इमरजेंसी में जितने भी ये जल बोर्ड से रिलेटेड काम है इनको कराना मुश्किल हो रहा है। पिछले साल से मेरी कॉलोनियों के बहुत से काम रुके हुए हैं। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से यही अनुरोध, यही रिक्वेस्ट है कि मेरी विधानसभा में जो ये काम रुके हुए हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ साल हो गए हैं जल बोर्ड के, अध्यक्ष जी इनको तुरंत कराया जाए, जिससे वहां की जनता के जो दूसरे सड़क वगैरह बनने के काम है ये जल्द से जल्द पूरे हो सके। मेरी विधानसभा की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।